नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी न्यूज में। मैं हूं शाहिद रजा। चुनावी बिगुल बज चुका है, हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पूर्व विधायक जी, जिन्होंने अपना पर्चा नामांकन वापस लिया है। क्या नाम? मेरा नाम है डॉक्टर पंजाबराव बोड़खे। नामांकन वापस लिया आपने, क्या वजह रही? मैंने सोचा कि अभी कांग्रेस को बहुमत की जरूरत है और कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य पहले भी था, आज भी था। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे प्रदेश के जो नेता हम जिनको मानते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनका भी आग्रह था, कमलनाथ जी का भी आग्रह था, जिले के नेता विनोद डागा जी का भी आग्रह था, हमारे मित्र मंडली का भी ये मन बना कि हमको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। इसलिए सब क्षेत्र की जनता मेरे पास आई, बोले आपने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि आप कांग्रेस के साथ रहें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं, और आप ही मजबूत बना सकते हैं। उस भावना का सम्मान करते हुए मैंने ये दल लिया। विकास की बात की जाए यहाँ मध्य प्रदेश में, विकास का क्या लगता है आपको? बीजेपी ने क्या विकास कराया, क्या नहीं कराया? विकास का ऐसा है तो जो भी सरकार रहती है उनका तो कर्तव्य बनता है, लेकिन बीजेपी जितना ढोल पीट रही है वो उतना ढोल जमीनी लेवल पर नहीं है। लोग बोलते हैं, पकड़ के लाते हैं, एडवर्टीजमेंट देती है सरकारें और बोलती है कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो क्षेत्र घूमता हूँ, फील्ड में भी जाता हूँ। अभी ये जो मकानों की बात करते, कई मकान आधे पड़े हैं, कई लोगों को पैसा नहीं मिला है। संडास की बात करते, कई लोगों को आधे पैसे मिले, कई लोगों को योजनाएं होती है वो सिर्फ कागजों, कागजी योजनाएं हैं और उसके ऊपर किसी का लक्ष्य नहीं है। कोई भी उस ओर ध्यान नहीं देखता। बीजेपी के नेता केवल वाहवाही में लुटे हैं, एडवर्टीज देना चाहिए, हमारी फोटो आना चाहिए, हम मीडिया में आना चाहिए, हम प्रिंट मीडिया में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहिए, यही भावना से लेकर वो काम कर रहा है। नोटबंदी की बात की जाए, नोटबंदी का असर, नोटबंदी में बहुत नुकसान हुआ। मैं व्यक्तिगत, मेरे पास संतरे का बगीचा, हमने व्यापारी को दिया और व्यापारी छोड़ के चला गया, हमारा एक संतरा नहीं गया, हमारा एक नोटबंदी के बाद एक पैसा नहीं मिला। पूरा हमको जो 12 लाख रुपए में मेरा जो बगीचा बिका था, तो मुझे 12 लाख के 12 लाख नुकसान हुआ है। जहाँ तक सवाल ये ढूंढ पीटते हैं आपके भावांतर की, तो भावांतर की भी बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि पहले तो इन्होंने लोगों ने ये समझा कि हम भाव दे देंगे, ये माल मंडी में दे देंगे, और ये मंडी में जो माल दे रहे हैं उसके बीच और सरकार का जो समर्थन मूल्य है उसके बीच की हमको रकम मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसमें निर्धारित कर दिया 250 रुपये देंगे, चाहे तुम्हारा 700 में गया हो, 1700 में गया हो, 500 में गया हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। 250 चिपका दिए और वो भी पूरे लोगों को नहीं चिपकाए, केवल बाजार है। चुनाव के वक्त बीजेपी का एक अहम मुद्दा होता है राम मंदिर का, उसके लिए क्या ये राम मंदिर ये बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, सिर्फ यानी चुनाव के टाइम में? देखिए, ये चुनाव के समय राम मंदिर उठाते हैं, इनकी भावना रहे बनाने की तो राम मंदिर इतना समय नहीं लगता। राम मंदिर तो एक साल में बनाया जा सकता है, लेकिन वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के लोग उसको मुद्दा बनाए रखते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा बनाए रखने के लिए राम मंदिर नहीं बनाते। ये चींटी के पैर चल रहा है कि ये चलता रहे, हमारा मुद्दा चलता रहे, सरकारें बनते रहे, ये भावना बीजेपी की है। क्या लग रहा है आपको इस बार कांग्रेस वापसी कर रही है? कांग्रेस निश्चित रूप से वापसी करेगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। जनता का मनोबल बढ़ा है, जनता त्रस्त है और बहुत सारी चीज़ों में त्रस्त है। जैसे मैंने भी किसानों की बात की, आप नौजवानों का ले लीजिए, रोजगार के लिए परेशान है। जो पहले रोजगार गारंटी के काम चलते थे देहातों में, वो बंद है, वो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत ऐसी सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बीजेपी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना है, और ये कितना भी ढोल पीटे कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मुझे लगता है। ये हमारे साथ पूर्व विधायक जी थे, इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार आ रही है। कैमरा पर्सन अनिल सूर्यवंशी के साथ शाहिद रजा, बैतूल, डीवी न्यूज़।